उत्तर प्रदेश के मथुरा में उस वक्त पुलिस के हाथ पांव फूल गए जब एक शख्स ने बीच सड़क पर अपनी कार में आग लगा दी और हवाई फायरिंग करने लगा। मथुरा में एक शख्स ने बुधवार को अपनी कार को आग के हवाले कर दिया और हवाई फायरिंग की। हैरान करने वाली बात यह है कि इस घटना के दौरान उस शख्स के साथ एक महिला और बच्चे भी थे। दरअसल मथुरा के सदर बाजार इलाके में सिविल लाइन पुलिस चौकी के सामने एक शख्स ने खूब ड्रामा किया। पुलिस के मुताबिक बुधवार की शाम में शख्स ने बीच सड़क पर अपनी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया और एक हाथ में पिस्टल और दूसरे में कुछ कागजात पकड़े हुए सड़क पर हवाई फायरिंग करने लगा। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने उस शख्स को हिरासत में लिया है। हाई वोल्टेज ड्रामा को करीब एक घंटा हो गया, परंतु युवक अपने हाथ से और महिला के हाथ से हथियार को नीचे नहीं रख रहा था। उसके साथ तीन बच्चे, एक महिला और खुद वो युवक था। एसएसपी ऑफिस के सामने हो रहे इस ड्रामे को पुलिस और आला अधिकारी शांत करवाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु बार बार कह रहा था, अगर मेरे पास कोई आएगा तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। वहीं महिला भी अपने आप को गोली मारने के लिए उतारू हो रही थी। देखते ही देखते हजारों की संख्या में एसएसपी ऑफिस के बाहर सड़क पर हुजूम लग गया। आखिरकार उसे बातों में लगाकर उसे पकड़ लिया। पुलिस ने तीनों बच्चे, महिला और उस युवक को चौकी में बिठा दिया है। पुलिस मामले की जानकारी लेने की कोशिश कर रही है, परंतु युवक कुछ भी नहीं बोल रहा। वहीं महिला भी कुछ भी बताने से साफ इनकार कर रही है। युवक को पकड़ने के बाद दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। अभी पुलिस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है और पूछताछ होने के बाद मामले का पता चल पाएगा कि आखिरकार उस युवक ने गाड़ी में आग क्यों लगाई। ये एक व्यक्ति है जिसका नाम इसके पत्र के हिसाब से शुभम चौधरी करके है। ये यहाँ पर आए हैं 4:45 के आसपास और अपनी गाड़ी में आग लगा दी और अपने घर वालों को साथ में लेके आए थे। एक महिला भी है, बच्चे भी। अभी तस्दीक किया जा रहा है इनसे क्या इशू है इनका, और तमंचा लगाने से पहले इन्होंने अपनी गाड़ी में आग भी लगाई। क्या इशू है, क्योंकि इनका जो पेपर हम लोग को मिला ये कोई जनरलाइज चीज़ है, पर्सन स्पेसिफिक इनका क्या इशू है इनसे बातचीत से क्लियर होगा। इनके घर वालों से एक सेपरेट टीम, महिला सब इंस्पेक्टर और सभी लोग इनसे बातचीत करें। इशू क्लियर होने के बाद क्या चीज़ है आप लोग सब महिला पुरुष उसके सामने बहन है, इसकी पत्नी है। अभी बातचीत कर रहे हैं, मैंने बताया आपको, बातचीत कर रहे हैं इनसे। बातचीत के बाद ही क्लैरिफिकेशन होगा। ये पता लगा है कि रिफाइनरी थाना क्षेत्र में प्रवासी हैं और जैसा मैंने बताया कुछ जर्नल पेपर्स लेके आए थे जो कि और विषय वस्तु से रिलेटेड था। इनका इन पर्सन क्या इशू है, वेपन कहाँ से लोग लेके आए थे, और एक तमंचा भी मिला है, एक वेपन इसके पास भी मिला है, वेपन लाइसेंसी है कि नहीं है, यहाँ क्यों लेके आए, ये सारी डिटेल्स आपको थोड़ी देर में बातचीत के बाद ही ब्रीफ करेंगे। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।